हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ युगांधर फिल्म की शूटिंग लोकेशन और एक फिल्म आई थी मिथुन चक्रवर्ती की 20 साल बाद। दोस्तों, ये दोनों फिल्म मिथुन चक्रवर्ती की थी और इस फिल्म को जहाँ पर शूट किया गया था वो जगह दोस्तों राजस्थान के जयपुर। जयपुर के पास एक जो है गैटोर की छतरिया पड़ती है, तो वहाँ से शूट किया गया था। एक गाना था 20 साल बाद फिल्म का, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। दोस्तों, इस गाने को शूट किया गया था गैटोर की छतरिया में और ये फिल्म आई थी 1988 के अंदर, ठीक है। और एक युगांधर फिल्म आई थी मिथुन चक्रवर्ती की 1979 में। तो दोस्तों, इस फिल्म को यहीं पे शूट किया गया था और इस फिल्म के दोनों को फिल्म के सीन मैं आपको दिखाऊंगा बैक कैमरे से। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं दोस्तों स्टार्ट, बने रहे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। ये देख लो दोस्तों, यहाँ है गैटोर की छतरिया, ये पढ़ लो। यहाँ पे चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर दोस्तों 20 साल बाद फिल्म शूट हुई थी मिथुन चक्रवर्ती की और एक युगांधर हुई थी मिथुन की फिल्म शूट। बड़ा क्लियर आ रहा है आशय, इधर दो है कैमरा, एक नंबर क्लियर आ रहा है इसमें। तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, गैटोर की छतरिया। एक सीन दोस्तों यहाँ से लिया जाता है युगांधर फिल्म का। आप देख लो, जब जो है कृष्णा रोहिणी को ढूंढता रहता है वो सीन यहीं से शूट किया गया था, ठीक है। और ये इधर गेट देख लो कितना खूबसूरत है दोस्तों, ये पहाड़ी है। गैटोर की छतरिया दोस्तों जयपुर के अंदर है, ठीक है। और सीन यहीं से लिया गया था जब जो है रोहिणी इसको मारती है मिथुन को, ये सीन भी इसे शूट किया गया था युगांधर फिल्म का। चलते आगे की तरफ दोस्तों, यहाँ पर एक 20 साल बाद फिल्म भी शूट हुई थी और एक राज तिलक। सारी फिल्मों की शूटिंग दोस्तों एक ही वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। कहाँ है भाई है? तो एक सीन यहाँ से लिया जाता है युगांधर फिल्म में। आप देख सकते हो जब हीरोइन जो है यहाँ पर खड़ी रहती है इस साइड में और मिथुंदा जो है आवाज़ लगाते रहते हैं, तो वो इधर से आते हैं। ये देख लो दोस्तों, वहाँ पे जाना लावनी है। एक सीन वहाँ उस छतरी में से लिया गया था, इस छतरी का सीन लिया गया था दोस्तों की युगांधर फिल्म में। वहाँ पे मिथुंदा खड़े रहते हैं और जब मिथुन आवाज़ लगाते रहते हैं वो वहाँ पे होते हैं नीचे में उस साइड में युगांधर फिल्म में, ठीक है दोस्तों। ये गैटोर की छतरियाँ हैं जयपुर के अंदर। आप देख लो कितना अच्छा नज़ारा है, ये देख लो दोस्तों यहाँ का नज़ारा, ठीक है। और जो वो जगह है वहाँ पे मिथुन का गाना बना था 20 साल बाद फिल्म का, वहाँ पे भी चलेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं उधर, ये देख लो पहाड़ी, यहाँ पे ऊपर पे किला है नारगढ़ का, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, देख लो दोस्तों। चलते हैं नीचे की तरफ, हम आपको दिखाएंगे 20 साल बाद की फिल्म की लोकेशन में दोस्तों। ये दिखाया गया है जब जो है मिथुंदा ऊपर आ जाते हैं इसके पास, उसी ने इसे शूट किया गया था, देख लो युगांधर फिल्म का। आप ही पीछे फर छतरी से परफेक्ट मैच कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों 20 साल बाद फिल्म का एक सीन यहाँ से लिया गया था, गाना हुआ था जो हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, तो सीन यहाँ से शूट किया गया था, देख लो आप इधर से आ जाओ। दिखाता हूँ मैं आपको, ये गैटोर की छतरी है दोस्तों, ये देख लो पहाड़ों के अंदर। दोस्तों वो गाना जो है इधर से शूट किया गया था, देख लो आप, यहाँ से सीन लिया गया था। मिथुंदा ही इसके अंदर डांस करते रहते हैं, ठीक है। और एक सीन इधर से दिखाया गया था, ये देख लो थोड़ा गेट भी सीन इसे परफेक्ट मैच कर सकते हो आप। ये जो साइड में मकान दिखाई दे रहा है जिनमें जो मिथुंदा होते हैं वो यहीं पे डांस करते रहते हैं 20 साल बाद फिल्म के गाना जो हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।
फिर एक सीन और यहीं से दिखाया गया था। और जो हीरोइन होती है वो दोस्तों, वो इधर से आती है डांस करती हुई, उसका सीन भी दिखाऊंगा मैं आपको नीचे से ही। ये देख लो दोस्तों, आपको पीछे पेड़ देखने को मिलेगा। और ये तो सीन दोस्तों यहीं से शूट किया गया था ये। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, इस गाने का सीन दोस्तों यहीं से लिया गए थे, गेट और की छतरियाँ। और एक सीन में दिखाया गया था, आपको दिखा दूं दोस्तों, किधर के सीन है ये देखेंगे चल के ऊपर। एक सीन और दिखाया था, ये जाली सी लगी है, थोड़ा सीन मैच कर लो। ये देख लो यहाँ का नजारा, गाने का एक सीन दोस्तों ये दिखाया गया है जब हीरोइन यहाँ पर खड़ी रहती है। ये तो सीन दोस्तों एक सीन और सेट किया गया था इसी। ये छतरी के पास से दिखाया गया था, दिखाता हूँ मैं चलेगा आपको। ये गेट और की छतरी है दोस्तों, यहाँ पर एक राज तिलक फिल्म के भी सीन यहीं से लिए गए थे, जब उनकी फाइट होती है तो उस फिल्म का भी सीन यहीं से दिखाऊंगा मैं आपको एक दो सीन। राज तिलक का दोस्तों एक सीन यहाँ से लिया गया है जब उनकी फाइट शुरू होती है इधर से। और ये आप देख लो एक सीन यहाँ से दिखाया गया है, कमल हसन जब फाइट करता रहता है चलते ऊपर की तरफ। ये देख लो दोस्तों, एक सीन में दिखाया गया है कमल हसन की फिल्म का इधर से, आप देख लो इधर का सीन है दोस्तों। इनके नीचे बैठी रहती है वो हीरोइन और कमल हसन यहाँ पे। ये सीन दोस्तों कुछ इस प्रकार शूट किया गया था यहाँ से, आप देख लो दोनों छतरी दिखाई देगी, ठीक है। और एक सीन और आपको यहीं से देखने को मिलेगा, एक सीन और दिखाता हूँ मैं आपको मिथुन दा का। चलते हैं उधर की तरफ, चलते हैं इधर की तरफ। तो मिथुन का शायद एक सीन इधर से दिखा है, ये आप देख लो सीन यहीं से शूट किया गया था शायद, देख लो ठीक है दोस्तों। मिथुन का हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। और एक सीन, एक सीन में और दिखाया गया, दिखाता हूँ ये देख लो दोस्तों। अभी और एक सीन में ये दिखाया है दोस्तों, दिखाओ देख लो दोस्तों। ये जो है हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे मिथुन की फिल्म यहीं पे शूट की गई थी। और 20 साल बाद और एक फिल्म आई थी युगांधर, वो भी यहीं से शूट की गई थी। और राज तिलक के भी सीन यहीं से लिए गए थे दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। ये आमिर, ये जयपुर के अंदर राजस्थान के अंदर गेट और की छतरियाँ हैं, ठीक है। वीडियो करते हैं पूरा।
मिलते हैं अगली वीडियो में।